नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में चर्चा आम होती है और प्रेस वार्ताएं भी होती है और जनता के बीच अपनी बात पहुंचाना जरूरी होता है। आज भी प्रेस वार्ता हुई और प्रेस वार्ता हुई समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से, और उन्होंने ये प्रेस वार्ता अपने सपा कार्यालय में नहीं बल्कि रिवर फ्रंट पे की। उन्होंने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी काम थे जो उन्होंने 2012 से 17 के बीच में किए थे, बेहतर काम किए थे, और बीजेपी उन कामों को बर्बाद कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो वो हमारे किए गए सारे कामों को चौपट कर देंगे। रिवर फ्रंट हमने बनाया था, उस रिवर फ्रंट को बीजेपी ने बिल्कुल खराब कर दिया है। टीन शेड लगा दी है, फुब्बारे नहीं चलते, लाइट नहीं जलती और तमाम अव्यवस्था रिवर फ्रंट में है। ये मेरा और जनता के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको हमने पूरा किया, पर बीजेपी जानबूझकर यहाँ पर एक अलग तरह की राजनीति करते हुए हमारे कामों को खराब कर रही है। हमने जो भी काम किए बेहतर किए और इस काम के दम पे ही हम आने वाले 24 चुनाव में और निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। खैर, अखिलेश यादव की अगर बात कहें तो इस समय 24 की रणनीति में भी लगे हुए, लगातार बैठकें भी होती है, लगातार मुलाकातें भी होती है और सबसे महत्वपूर्ण बार निकाय चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखें तो एक प्रकार से लिटमस टेस्ट है 2024 का, यानी सेमीफाइनल है 24 के पहले का उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर रास्ता केंद्र की कुर्सी का पाना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है और इस रास्ते पर अपने आप को मजबूत करने की कवायद फिलहाल सभी पार्टियों में चल रही है। यहाँ पर कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे सत्ता पे आसीन भाजपा की बात करें, सभी मेहनत कर रहे हैं और सबका एक ही एजेंडा है कि निकाय चुनाव में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दें, कुछ ऐसा बेहतरी कर दें कि जनता उनको जनाधार दे दे। अब जनता जनाधार किसको देगी ये भी स्पष्ट आने वाले समय में 13 मई को हो जाएगा, पर चूंकि 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा और 13 मई को यही पता चल जाएगा कि जनता ने अपना जनाधार दिया क्या है, पर जनाधार किसको दिया है, कैसे दिया है और इस जनाधार के मायने क्या है। मेरी आज की जो प्राइम डिबेट है उसका सीधा सीधा एक सरोकार है कि कल पहले चरण के मतदान जो होना है 4 मई को, उसके लिए कल शाम को प्रचार बंद हो जाएगा और उसके पहले यहां पर जो कवायद है वो ऐसी चल रही है कि हर इंसान, हर प्रत्याशी इस समय रणनीति बना के युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है और जनता के बीच जा रहा है, बता रहा है। चुनाव देखा जाए तो मोहल्ले की सरकार होती है, गली की सरकार है और यहाँ पर अगर पार्टी की भूमिका होती है तो यहाँ पर पर्सनली भी भूमिका होती है, खुद का व्यक्तित्व भी यहाँ मायने रखता है और आपको उसका भी वोट मिलता है। सभी पार्टी ने यहाँ पर बहुत सहज कर और बहुत समझ कर यहाँ पर टिकट का वितरण किया है, प्रत्याशी घोषित किए हैं, पर इस बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और तमाम मंत्रियों के साथ इस समय युद्ध स्तर पर यहाँ पर प्रचार कर रहा है, जा रहे हैं, बता रहे हैं, कर्नाटक भी जा रहा है और यहाँ पर पहले की तरह नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं, लीड करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर मेहनत करेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। तो वही अखिलेश यादव भी यहाँ पर पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और उनका सिर्फ आज जो प्रेस वार्ता उन्होंने रिवर फ्रंट पे की, खुले में की, प्रेस वार्ता बुलाई और वहां पर जनता को, मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही कि अगर वास्तव में हमारे कामों को बर्बाद करना है, हमारी अच्छाई को खराब करना है या हमने जो परिपाटी, जो ऐतिहासिकता यहाँ पर लिखाई उसको खराब करना है तो आप बीजेपी को वोट दें। फिलहाल चर्चा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरकार जो पैसा लाए, जो पैसा दे, उसका उपयोग सही सही तरीके से हो सके, इसके लिए हमें ट्रिपल इंजन की आवश्यकता है। विकास की गति को 3 गुना कर देना, 4 गुना कर देना, 5 गुना कर देना, कई गुना कर देना और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ आपसे कहने के लिए। हम लोगों ने तय कर दिया रंगदारी में फिरोती अब यूपी नहीं है, किसी की बकौती है। एकदम झूठा प्रचार कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बना दिया, मेट्रो ना हो स्मार्ट सिटी लगेगी, ये मेट्रो समाजवादियों की देन है और मेट्रो का काम अगर उसी तरीके से चलता रहता जिस तरीके से समाजवादी सरकार का हो रहा था, ये मेट्रो का वो प्रोजेक्ट है जो समय पर पूरा हुआ और कहीं इसका कॉस्ट नहीं बढ़ानी पड़ी। जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ उससे आगे सरकार ने नहीं बढ़ाया, यही काम अगर आगे बढ़ गया होता तो आज लखनऊ को सेफ,
और साफ सुथरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता और खासकर महिलाओं को ये सबसे सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने काम रोक करके न केवल मेट्रो का प्रोजेक्ट रोका है बल्कि आम लोगों को सुविधा भी नहीं दी इन्होंने। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट जो कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने बनवाया है उस पर वहां पर आज उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरह हमने बेहतर काम किया और अगर आप हमारे कामों को खराब करना चाहते हैं तो आप बीजेपी को वोट दें और आप चाहते हैं कि जो एक ऐतिहासिक विरासत या जो यहाँ पर हमने अच्छे काम किए हैं वो आगे भी हों तो उसके लिए समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारे साथ कुछ समय मेहमान जुड़ने वाले हैं। आपको बता दूं कि आज अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की वो कार्यालय से नहीं बल्कि रिवर फ्रंट से की। वो रिवर फ्रंट जो उन्होंने बनवाया था वो रिवर फ्रंट जिसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार रिवर फ्रंट की जो खूबसूरती है उसमें खराब करती नजर आ रही, क्योंकि ये हमने बनवाया है पर यह है तो जनता का और जब जनता के लिए बना है तो उसमें राजनीति कैसे। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हमारे साथ मेहमान जो रूबरू प्रारूप विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से यहाँ पर विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से अजय चंद चौबे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तके अपनी बात रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जनाब आमिर साबरी भाई अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता भाजपा से। विवेक भाई, रिवर फ्रंट उन्होंने बनवाया है अच्छी बात है और अगर उसको बोल रहा है टीन शेड लगवा दिया है फब्बारे नहीं चल रहे हैं अब व्यवस्थाएं वहां पर है ये कैसी राजनीति है? अगर जनता के लिए बना तो इसको बेहतर करिए, क्या दिक्कत है? आरोप लगा रहे हैं वो खुलेआम। जी अखिलेश जी को अगर कुछ दिखाने के लिए मिला, कुछ बताने के लिए मिला तो रिवर फ्रंट मिला। अच्छा, जिसके ऊपर 1438 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच चल रही सीबीआई द्वारा। फवारा फ्रांस से लाया गया जी, जिस महानगर की जी मूलभूत आवश्यकता शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, अच्छे अच्छी आबोहवा जी, अच्छी शिवर निकासी, अच्छा उस महानगर को अखिलेश जी ने अपने शासनकाल में क्या दिया? रिवर फ्रंट दिया। अच्छा, और उस रिवर फ्रंट में भी रिवर फ्रंट घोटाला दिया। अच्छा अच्छा, 1438 करोड़ रुपए बिल्कुल फवारा फ्रांस से लाया गया जी। और इन चीजों को ना समझते हुए जी कि भारत में नदियों का चरित्र क्या है या जिस नदी के किनारे आप रिवर फ्रंट बना रहे हैं उस नदी का उद्गम क्या है और उसको जल कहाँ से प्राप्त होता है। अच्छा, किसी विदेशी नदी की नकल करते हुए जहाँ पे नदी को सर्वाइवल बर्फ से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है, गोमती स्रोतों से जल पाती है, आप जिस तरह की दीवार खड़ी करके गोमती को मारने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस समय भी इस विषय को लेकर के महामहिम के यहाँ और हम लोगों की एक संस्था उसके माध्यम से हम लोग उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए थे जी, सरकार के आगे हम लोगों की आवाज़ न बुलंद हो सकी जी और गोमती को मरने से हम लोग बचा ना सके। अच्छा, आप देख लीजिए जिस इतने दूर दीवार बना करके पानी जबरदस्ती गोमती में रोका जाता है जी, उसके आगे का हाल गोमती का क्या है, पीछे का हाल गोमती का क्या है? गोमती मर रही है जी और उस गोमती की मौत में कुछ योगदान समाजवादी पार्टी की इस तरह की योजनाओं का और समाजवादी पार्टी के लोगों का भी है। अच्छा, चाचा शिवपाल जी का भी है जी, बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी का भी जी। और दुर्भाग्य ये है जी कि आज इतने चार बार के शासन काल के बाद समाजवादी पार्टी को जी अगर कुछ दिखाने की स्थिति बनी तो भी वो घोटाला दिखाने पहुंचे। अच्छा बेबी भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही, गोमती मर रही है, दीवाले अखिलेश यादव ने खड़ी कर दी जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। गोमती में कितना दूषित जल जाता है ये जानकारी है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल हो रहा है, आपने कहा कि घोटाला जी, तो घोटाले की जांच में बड़े बड़े अफसर आए, आप कह रहे हैं कि घोटाले में शिवपाल सिंह यादव भी शामिल है जी और अखिलेश जी की जांच आ रही है, ठीक है, तो अब तक जांच में इतनी नरमी क्यों? क्या ये राजनीतिक व्यवस्था है या जानबूझ के केवल प्रोपेगेंडा है या
सबसे महत्वपूर्ण बात आपने गोमती को मानने की बात यहाँ कही, बिल्कुल सही बात है। मैं भी राजधानी लखनऊ में रहता हूँ और मैं देखता हूँ किस तरह वहां पर गंदगी जाती है, किस तरह वहां पर जलमुखी है। अगर अखिलेश यादव ने दीवारें बनाकर गोमती को मानने की बात आप कह रहे हैं, तो जो दूसरे जल जा रहा है, जो जलकुंभी लग रही है, जो गंदा पानी उसमें है, उसकी जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि पिछले 6 साल से आप भी बैठे हुए हैं। थोड़ा जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल गौरव जी, जी जिस तरह से गोमती के जीवन के लिए संघर्ष होना चाहिए, इस तरह से सरकारों के द्वारा योजनाएं ला करके गोमती का पुनरुद्धार होना चाहिए जी। उस तरह की योजनाएं अभी तक नहीं आई, मैं आपकी इन बातों से सहमत हूँ जी। और गोमती को हम आप सब मरते हुए देखने के लिए बाध्य है, क्योंकि ये सरकार आपकी है। बिल्कुल, हम अपनी सरकार की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे जी। जिस तरह से गोमती लखनऊ के बीचों बीच से गुजरती है, बिल्कुल कोई नदी जहाँ तक मेरा अनुभव है उत्तर प्रदेश में किसी महानगर की इतनी बीचों बीच से नहीं गुजरती जिस तरह से गोमती जी लखनऊ की पहचान है और लखनऊ गोमती के किनारे बसा हुआ जी। बिल्कुल, ऐसे में गोमती अपने उद्गम स्थल से अपने विलय स्थल तक सलिल प्रवाह के साथ बहती रहे, ये सब की चिंता होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गोमती के प्रवाह में इतनी बाधाएं हैं, अच्छा, और गोमती में इतना प्रदूषित जल गिरता है जी, कि गोमती लखनऊ से पहले भी देख लीजिए, लखनऊ के बाद तो एकदम नाला क्या नाली दिखती है, बिल्कुल बच्चा भी पैदल पार कर जाए जी। ये गोमती की स्थिति हो गई है जी। और अखिलेश यादव जी जाकर के रिवर फ्रंट घोटाले पे अपने काम की चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कौन लोग ऐसी राय देते हैं। अच्छा, घोटाले में कौन कौन शामिल है विवेक भाई? देखिए, घोटाले में तमाम अधिकारी गिरफ्तार हुए, कार्रवाई हुई है, मुझे पता है, जेल भी जा चुके हैं। अच्छा, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कुछ रिटायर्ड भी हो गए, रिटायर हो जाएंगे तो मैं आपको बता रहा, फंसेगा वो भी सब होगा। अच्छा, कहने का अभिप्राय ये कि जांच चल रही, जांच अपने गति से चलती है। अच्छा अच्छा, हमारा कार्य है, अगर हमें कोई भ्रष्टाचार की अंदेशा है तो हम उसकी जांच रिकमेंड करते हैं। अच्छा, आगे जांच करना जांच एजेंसी का काम है, उसका उसमें कोई किसी सरकार का हस्तक्षेप नहीं। चलती रहेगी जांच, चलती रहेगी, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे लोग शिकंजे में आते जाएंगे। अच्छा अच्छा, विषय आज उसका नहीं, विषय ये है जी कि आपने अगर प्रेस की तो आपने क्या बताया, गोमती रिवर फ्रंट पर जाकर के प्रेस की, और आप उसी घोटाले पे खड़े होकर के आप लखनऊ की जिस अच्छा, जीवन अच्छा, जिस जीवन दायनी को आप मारने का आपके ऊपर आरोप है, क्या बात है, वहीं आप जाकर के नेता सभा बताएंगे लखनऊ नगर निगम की, ठीक है, के लिए आप ठीक है, ठीक है। विवेक पांडे, घोटाले की जमीन पर अखिलेश यादव की पेश वार्ता, क्या जवाब है भैया आपका? गौरव भाई, पहले तो पूरे मंच को मैं अनुमोदन के साथ प्रणाम करता हूँ, अपनी बातों को अभिव्यक्त रखने की अनुमति चाहता हूँ। हंसी आ रही थी मुझे, हंसी आ रही थी, हंसने का हंस लीजिए एक बार, मिला आज, हंस लीजिए जोर से पहले। आप भी हंस लीजिए, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद पूरा पैनल हंसेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि सुरेश खन्ना जी समाजवादी पार्टी में थे, ये मुझे पता आज चला। अच्छा, क्योंकि सुरेश खन्ना जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी गोमती रिवर फ्रंट की जांच करने के लिए, योगी सरकार ने बनाई थी। अच्छा अच्छा, और सपा के जितने नेता हैं सबको क्लीन चिट उनकी उस कमेटी ने दी थी जी। तो मुझे लगता है कि अगर इनको इतना शक है आज भी जी, तो पहले सुरेश खन्ना की जांच कर ले, क्या साठ गांठ थी भाई। तो मुझे लगता है इतना अपरिपक्व बयान देने के बाद ये अपने नेता का नाम लेने से कतराते हैं, लेकिन ऐसे हल्के तर्कों से मुझे लगता है ये अपनी ही कार्यप्रणाली पे सवाल भी तो खड़े कर रहे हैं। अच्छा भाई, कमेटी सुरेश खन्ना जी की थी, या तो ये कह दे कि सुरेश खन्ना जी भ्रष्टाचार के समर्थक है, या तो ये कहे कि सुरेश खन्ना जी ने निष्पक्ष जांच की। दोनों ही बातों में एक चीज सामान्य है, आज भी एक, अरे वो क्या रहा, जांच चल रही है, वो क्या जांच चल रही है ना। हाँ। अरे सुन लीजिए भाई, हाँ। इनकी सुरेश खन्ना, आप तो अगर जांच चल भी रही है, अगर कोई तथ्य भगवान न करे इन्होंने जानबूझ करके पैदा करने का प्रयास भी किया तो सुरेश खन्ना जी को भी तो जज में आना ही है, ये तो अच्छा। बात है कि नहीं, बिल्कुल आएंगे। उनकी कमेटी ने कैसे क्लीन चिट दे दी थी, बिल्कुल आएंगे, और किस आधार पे दे दी थी भाई? जब सीबीआई जांच चल रही है, सुरेश खन्ना जी की ऐसी किसी कमेटी के क्लीन चिट देने का, अपने टर्न पे बोलेगा, अपने टर्न पे बोलेगा, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे आप कहते हैं हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, कोई तथ्यात्मक चीज, अपने टर्न पे बोलेगा विवेक भाई, अपने टर्न, नहीं नहीं, हल्के तर्क को सीबीआई जांच कर रही है, देखिए विवेक जी, सीबीआई आप अधिवक्ता होकर के ऐसी बात करेंगे, सीबीआई जांच कर रही है, सुरेश खन्ना कौन होते क्लीन चिट देने वाले जी, सीबीआई जांच चल रही है,
इन्होंने मुख्यमंत्री के ही कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिया। सीबीआई जांच चल रही है, योगी जी ने कमेटी बनाई थी, किसी का नाम लेकर की अध्यक्षता में कमेटी को अरविंद केजरीवाल नाम क्यों ले रहे भैया? ये फस गए अपनी बातों में। डिबेट में नाराज हो जाएंगे, फ्रेंड मुस्कुरा रहे हैं। मेरी एक बात आ जाए, मेरी एक बात आ जाए गौरव भाई, इनको ये तो फंस गए अपनी बात में। मैं सवाल पूछता अच्छा, सुरेश खन्ना जी की समाजवादी लोग करते हैं, आप बताइए। अच्छा गौरव भाई, आप मीडिया आप बता दीजिए, ये आदेश किसका था कि सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में कमेटी गठित की? कमेटी बनेगी, आप सीधे सीधे जांच हो रही है, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है। सवाल खड़े कर रहे हैं जी, और सीबीआई जांच का क्लीनचिट दे दिया किसको? देगी, बिल्कुल करना चाहिए, जांच करते रहिए, लेकिन सीबीआई जांच कभी नहीं आएगी। और विवेक श्रीवास्तव ये कह रहा है बड़े नाम भी आएंगे, ठीक है ठीक है, समाजवादी चरित्र है, अरे नाराज हो गए, ठीक है ठीक है ठीक है। कार्रवाई अब ये लीजिए, फंस गए तो जीत गए, ये कौन सी बात है? हम पहली बात तो आप किसी पैलिस को बोलने नहीं देंगे, ये कौन सी बात है? तार्किक बातें बोलिए, उन्हीं की वो कह रहे हैं, तार्किक बातें बोलिए, झूठ मत बोलिए, क्या झूठ बोल रहे हैं? गौरव भाई ये बताइए, सुरेश खन्ना जी केजरीवाल हो गए हैं, किन किन बातें घूम रहे हैं? पूरे पैनल पे जितने सम्मानित लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति अभी अमर भाई बताएंगे आपको, कमेटी नहीं बनी जी, और ये मंच पे क्यों बोल रहे हैं बैठ करके? वो कह रहा है क्लीन चिट नहीं दिया, कमेटी बनी है, क्लीन चिट नहीं दिया है, बोलिए। तो ये जाके पहले रिपोर्ट पढ़ ले, ये मुझे साबित करें, मैं तो आपको दिखा दे रहा हूं, आप रिपोर्ट दीजिए सामने, ये आप रिपोर्ट पैनल के सामने रख दीजिए, मीडिया की रिपोर्ट है, ले लीजिए लीजिए, मीडिया की रिपोर्ट है, आप दिखाइए, पढ़िए दिखाइए, लिखा है रिवर फ्रंट घोटाला, सुरेश खन्ना की कमेटी ने दी सपा नेताओं को क्लीन चिट, लीजिए पढ़ेंगे आप, और लीजिए मैं दे रहा हूँ ना इसका, मैं अभी स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ, पढ़ के सुना लीजिए, ठीक है चले भेजते भेजते, ठीक है चले ठीक है, तरीका नहीं है ना भाई, ये तरीका नहीं है, अपने आप बोल रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी बोलिए, बेपांडे जल्दी बोलिए, बात आने नहीं, बेपांडे बोलिए, दो मिनट है, इनको शांत करिए पहले भाई, इनको शांत करिए, ये तो हतोत्साहित हो गए भाई, टन पे बोलिए बोलिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल उठा रहा हूँ कि आप अगर जनेश्वर मिश्र पार्क गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे हमने व्यायाम के अन्य उपकरण जो लगा रखे थे, बच्चों के खेलने के जो झूले लगवा रखे थे, आज उनकी दुर्गति जो हो रही है उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, बस इसके लिए क्योंकि वहां पे बच्चों का जमावड़ा लगता है, पार्कों में लोग जाके व्यायाम ना करें। अच्छा ये कौन सी बात है भाई, किसी सरकार के द्वारा किया गया कोई अच्छा कार्य भी आपकी आंखों में इतना खटकता है? अच्छा मतलब ये अपनी किसी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे? जब से इनकी सरकार बनी तभी से उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ है क्या पूरे प्रांत में? ये कौन सी बात होती है, हर बात को नकार देना। आपकी जांच कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई, 6 साल से आपके अधिकारी झक मार रहे बैठ के, सैलरी ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, कितना टाइम लगता है जांच रिपोर्ट को पास करने में? चले ठीक है ठीक है, दोनों बातें आप कर रहे हैं, नियत ही नहीं है, सुन लीजिए भाई, अभी आप कर रहे हैं, ये सत्ता के सत्ता पक्ष ये है कि हम है, अब मेरी क्या गलती है? अखिलेश जी को आज तक मुख्यमंत्री मानते हैं भाजपा के लोग, योगी जी में इनको अगर मुख्यमंत्री की छवि नहीं दिखती तो मेरी गलती है क्या? बीच में बोले जा रहे हैं भाई, मैं तो बड़े शिष्टाचार के साथ, ये कौन सी बात उठाया कि नई बार कही आपने विवेक पांडे, अखिलेश जी को आज भी लोग मुख्यमंत्री मानते हैं, तो ये बताइए ना ये क्यों इतना ये बीच में टोक रहे हैं, इसका मतलब कि भाई कार्य किसका है? मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे जी। तो आप अगर उन्हीं के कार्यों की वाहवाही करेंगे, उन्हीं के कार्यों की हर जगह चर्चा करेंगे, तो अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री मानते हैं ना? योगी जी का कोई काम बता नहीं पा रहे, गोमती रिवर की बात करेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी अडानी को, इन्होंने अपने मित्र को जो लाभ देने के लिए संशोधन किया उसमें था कि एक मानता है मानक से ऊपर जब पानी खराब होगा तो अडानी के टीपीसी प्लांट उसको साफ नहीं करेंगे, ये कौन सा मानक होता है भाई? उसका कानून संशोधित कर दिया इन्होंने, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फटकार लगाई, बेइज्जत होने के बाद उसके बाद भी इनको समझ नहीं है जी। बार बार बेइज्जत होते हैं, बोले हमने गोमती नदी को मार दिया है, गोमती नदी को मार दिया दीवाले खड़ी करके, बिल्कुल मार दिया है, बिल्कुल मार दिया इन्होंने गोमती नदी को, नहीं आप बोले आपकी पावर लगा रहे हैं जी। तो मैं तो पूछ रहा हूँ ना, एक काम करिए ना, अगर हमने गोमती को मार दिया तो आप गोमती को खोल दीजिए ना, दोनों तरफ की जो दीवाले बनी है कहीं भी रिवर फ्रंट पूरे देश में बना है, कैसे बनाया है बताइए ना, गुजरात गए हैं जो गुजरात मॉडल प्रस्तुत करते हैं, गुजरात का रिवर फ्रंट इन्होंने देखा है? अहमदाबाद सिलवासा सूरत देखा है इन्होंने कभी? सबसे बड़ी समस्या ये है, ये अपने ही मॉडल को प्रस्तुत करने में शर्मसार होते हैं, ठीक है, और ये विपक्ष को आलोचित करने के लिए ये भूल जाते हैं कि वही काम करके बोलेंगे। अजय सिंह चौबे, चौबे जी भाई आपके अभी संघर्ष हो रहा है, पर फिलहाल सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ ये है कि आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस समय भाजपा में शामिल हो गए हैं, अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, चुनाव कैसे जीतेंगे? क्योंकि आपकी अगर कोर ग्रुप की बात करें, जो बड़े नेता की बात करें, तो कर्नाटक चुनाव में मौजूद है इस समय, वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, और सेमीफाइनल 24 का कहा जाने वाला निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में फिलहाल आपका कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है, कारण क्या है? क्या उत्तर प्रदेश को तरजीह नहीं दे रहे हैं, या
विधानसभा चुनाव में जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उससे निराशा आ चुकी है, क्योंकि अगर राहुल गांधी के लिए सत्याग्रह कर सकते हैं तो थोड़ी ऊर्जा यहाँ पर निकाय चुनाव के लिए दिखानी चाहिए, जो फिलहाल हमको नजर नहीं आ रहा। चौबे जी क्या कहेंगे आप? के पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी सभी जगह बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अच्छा, और इससे कार्यकर्ताओं के दम पर? इससे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ही लड़ रही है। नेता कौन सा आ रहा है? अच्छा, छह कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और एक चीफ प्रदेश अध्यक्ष हमारे, क्या वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ है? प्रियंका जी कर्नाटक के चुनाव में लगी हुई है। आप ये देखिए, कर्नाटक के चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर जी, डिप्टी सीएम जी और लगभग 40 नेता, मतलब विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद, वर्तमान मंत्री, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में सफाया हो गया। अच्छा। और परिणाम आ गया क्या? परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है, परिणाम आ चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी और उनके गृह मंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जनता की समस्या वहाँ नहीं गिना रहे। अच्छा। अपनी उपलब्धि नहीं गिना रहे। प्रधानमंत्री जी ये नहीं गिना पा रहे हैं कि किसानों को उन्होंने आंदोलन जीवी कहा था, खालिस्तानी कहा था, आतंकवादी कहा था, माताओं बहनों को बीएचयू में बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा था, अभी दिल्ली में आंदोलन कर रही बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। जब वो मेडल जीतते हैं तो प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मेडल उन्होंने जीता हो। अच्छा। खिलाड़ियों का कोई मेहनत ना हो, सारा मेहनत उनका हो। अरे वो सब बेटियां रो रही है, जब वो बेटियां रो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको गाली दे रहे हैं। अच्छा। अपराधियों को बचाने का एक अलग खर्च चला है, अपराधी है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद साव ने, जिन्होंने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को वहां खड़ा किया था, वो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। मतलब इतने बड़े आदिवासी नेता जो भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ थे, तो एक तरह से कमर ही टूट गई। और लखनऊ में देखे भारतीय जनता पार्टी को इतना झूठ बोलना पड़ रहा है। अच्छा। तो बड़े नेता, अरे कांग्रेस के एक दो प्यादे ले लिए। मतलब आपके पार्टी में कोई ऐसा लीडर ही नहीं रह गया है कि जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांग पाए। आपको हर बात में, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी से दूसरे दल से नेता आयातित करने पड़ते हैं, उनको तोड़ने पड़ते हैं लालच दे के। लेकिन वो भी आपके यहाँ जाके कुछ नहीं पाते हैं, आप सिर्फ उनको भी बेवकूफ बनाते हैं। तो कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी कुंठित हो गई है। और जो कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है, तो अपनी पीठ थपथपाने के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई बड़ा लीडर नहीं तोड़ पाई है। चीफ मिनिस्टर का लेवल का कोई नेता और डिप्टी सीएम लेवल का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में तोड़ पाई है क्या? दो प्यादे ले जाके बता रहे हैं कि बहुत बड़ा नेता तुले। अरे आपके भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो गया है, और निश्चित तौर पे नगर निकाय चुनाव का आप रिजल्ट आने दीजिए। इलाहाबाद से लेके, लखनऊ से लेके, और बनारस से लेके मथुरा तक और आगरा तक, और जितने भी मेयर के सीटें हैं, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और सभासद में भी जीतने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर हार का भय नहीं होता तो दिल्ली मेयर का चुनाव हारने के बाद नगर पालिका चुनाव, नगर निगम चुनाव, जी आपने मेरी पूरी बातों को, छह महीना चुनाव टालना पड़ा था जी, आपने छह महीना चुनाव टालना पड़ा था। मैं सुनिए सुनिए सुनिए, अपने को मजबूत मानती है तो चुनाव क्यों टाली थी? ठीक है, आ गई बात घपला घोटालों की बात जी, और गंगा और गोमती की बात जी। बीएचयू के डॉक्टरों ने वहां की जनता से माँ गंगा में स्नान करने से मना कर दिया है कि प्रदूषण का लेवल माँ गंगा में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 5 साल में गंगा स्वच्छता के नाम पे जो 28,000 करोड़ का बजट था, मात्र प्रचार प्रसार में खा गए। ये घपला घोटाला नहीं, महा घोटाला है। अच्छा। माँ गंगा तो साफ नहीं हुई, और आज बीएचयू के डॉक्टरों को मना करना पड़ रहा है कि स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, कान में खुजली हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, गंगा में प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब उस माँ गंगा का नाम नहीं ले रहे,
अच्छा। आप नहीं बताते माँ गंगा ने बुलाया है जी। रह गई बात गोमती नदी की बात कर रहे हैं, पहले आप बताइए नगर निगम में जलकर का आप इतना दाम बढ़ा दिए, हाउस टैक्स बढ़ा दिए, आप जनता को सुविधा क्या दे पा रहे हैं? अच्छा। अभी मैं भाजपा कार्यालय के पास से ही चाय पी के आ रहा हूँ, वहाँ आप देख लीजिए पानी लगा हुआ है भाजपा कार्यालय के सामने। अच्छा। अभी बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं हुआ, गड्ढे में तब्दील होना शुरू हो गया, अभी बारिश होगी तो बनारस जो इसको तथाकथित कोटो कहते हैं वहाँ कमर के बराबर पानी लग जाता है, ना चलानी पड़ती है, जनता का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गोरखपुर में ऑक्सीजन नहीं दे पाए थे, सैकड़ों माँ की गोदे सुनी हो गई, कोरोना का हाल साहब क्या कराना, कोरोना में घोटाला इन्हीं की सरकार में तो हुआ था। अच्छा। आप सुल्तानपुर गाजीपुर मऊ के डीएम को सस्पेंड किए थे, जांच चल रही थी, और तो और विश्वविद्यालय का महाघोटाला जो एसटीएफ गिरफ्तारी के करीब पहुंच गई थी उसको बचाने के लिए आपने सीबीआई जांच घोषित कर दिया, तो क्या आपके मुख्यमंत्री और गवर्नर घोटाला आपकी सरकार में घोटाला हुआ है? दूसरी सरकार में नहीं घोटाला हुआ है, और वाइस चांसलर बनाने में उच्च शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का रिकमेंडेशन होता है और गवर्नर का अनुमोदन होता है, और संघ के लोग मेरी बात है, इसका मतलब संघ और सरकार। ठीक है चौबे जी, खूब बुराई होगी, बुराई होगी, ठीक है आगे ला रहे हैं आप कांग्रेस में, बुराई ठीक है चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड चौबे जी, चौबे जी हो गया, अरे चौबे जी हो गया, उसमें क्या कार्रवाई, अरे हो गया भाई हो गया चौबे जी, आपने हमें पूरी पूरी आपने कहानी सुनाई, ठीक है चौबे जी हो गया, सुनिए पूरा बयान दिया सब सुना, पर आपने मेरे दो सवालों का जवाब नहीं दिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या कर्नाटक चुनाव से निकाय चुनाव बराबर महत्वपूर्ण नहीं है, कोई बड़ा नेता क्यों नहीं आ रहा? दूसरा सवाल, जो आपने हाउस टैक्स और तमाम की बात की, आप राहुल गांधी की माफी के लिए सत्याग्रह कर सकते हैं, आप राहुल गांधी की गिरफ्तारी के लिए जंतर मंतर पर आंदोलन कर सकते हैं, पर जनता के लिए वो सत्याग्रह आप कब करेंगे, थोड़ा इसका बता दीजिए। जनता के लिए उत्तर प्रदेश में भी सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी ने ही किया था, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे वो बेरोजगार छात्रों को जब लखनऊ में पीटा गया था, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे लाठियां चली थी, सबसे ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं पे और नेताओं पे मुकदमा हुआ, जेल भेजा गया, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी तक को गिरफ्तार कर लिया गया था, राहुल जी को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। इन बातों को आप कैसे नकार सकते हैं क्या जी? कांग्रेस पार्टी ही यहाँ के लोगों के लिए लड़ी है, चाहे वो हाथरस अच्छा। की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, इतनी मेहनत की उसके बावजूद विधानसभा चुनाव में चाहे वो महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की हो, चाहे अडानी द्वारा सेल कंपनियों के द्वारा हो गया बहुत, प्रियंका गांधी बहुत मेहनत की, लड़की उलट सकती हूँ नारा दिया, पर विधानसभा चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, छोड़िए हो गया। सर मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी, बड़ा मुस्करा रहे थे आप विवेक श्रीवास्तव की बात पर, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया था, अब ऊपर वाले ने शक्ल ही ऐसी थी उसके, अच्छा नहीं आप मुस्करा रहे थे ना विवेक श्रीवास्तव की बात पर जी, जी पार्टी के लोग जो बात करते हैं तो आपको सुन के अपने आप हंसी आने लगती है। अच्छा। और जो ये कहते हैं उसका बिल्कुल उल्टी तस्वीर आपके माइंड में चलने लगती है जी। जी। चले जाइए कि अभी क्या हो रहा है आपको दिखाई देगा साफ तौर से, जो बयान दे रहे हो वो सबको उल्टा रहा है, तो इसलिए हंसी आती है। दूसरी बात है उत्तर प्रदेश की जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, मैं निश्चित तौर से आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी इस नगर निगम चुनाव में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी से बेहतर करेगी और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ गई है, इन लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है, मीटिंग कर रहे हैं, कैसे आम आदमी पार्टी को बढ़ने से आगे रोके, आम आदमी पार्टी का कारवा लगातार बढ़ता जाएगा और अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार जीती जाएगी और अपनी सरकार बनाएगी और उसके मेयर भी आएंगे, उसके सभासद भी आएंगे, ग्राम पंचायत भी जीतेगी, आम आदमी पार्टी इस बार देखिएगा चौंकाने वाले परिणाम देखिए, जनता जो उठा चुकी है भाजपा पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, हो गया मजबूती से चलते आम आदमी पार्टी दिख रही है उत्तर प्रदेश में, वही सबसे अच्छा काम करेगी जी। और रही सर एक सवाल मेरा ले लीजिए, मेरा सवाल आपका ये है, आपने कहा कि इस बार हम बेहतर परिणाम सामने ला रहे हैं, चुनौती किसको मानते हैं, बीजेपी को या अन्य दल को, क्योंकि यहाँ पर सबका कहना यह है कि चुनाव केवल यहाँ पर सपा और भाजपा के बीच में है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए
देखिए चुनौती सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के सामने है। अच्छा। केंद्र में सरकार होने के बाद, राज्य में सरकार होने के बाद, नगर निगम में कई सालों से मेयर होने के बाद और कई सभासद होने के बाद, कई सालों से, दशकों से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कोई काम जनता को दिखा नहीं पा रही है। जहां जहां मैं जा रहा हूँ आपने खुद भी देखा होगा कि शहरों की हालत कितनी बदतर है। कुछ शहर जो है, कुछ मोहल्ले हमारे हमारे शहरों के अंदर रहने लायक नहीं रहे। वहाँ साफ पानी नहीं आ रहा है, वहाँ कीचड़ है, वहाँ सही नालियां नहीं बनी है, वहाँ कूड़े घर बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने वार्डों को, शहरों को कूड़ा घर बदल लिया है। अच्छा। जहाँ कूड़ा उठाने की सही व्यवस्था नहीं है, गलियों के अंदर कूड़ा को उठा नहीं रहा है, चार पाइपलाइन कूड़ा पड़ा रहता है, बदबू आती, मोहल्ले वाले परेशान रहते हैं। ये लोग उस बदबू से, जो भाजपा के कर्मों से आदि उकता चुके हैं और एक स्वच्छ हवा की तरफ, स्वच्छ वातावरण की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अच्छा। तो सिर्फ आम आदमी पार्टी, ईमानदार कट्टर आम आदमी पार्टी, कट्टर देशभक्त पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी दे सकती है। आम आदमी पार्टी नगर निगम में काम करेगी और दिल्ली में जैसे हमने काम किया है। अच्छा। और जो वादे पूरे किए हैं उससे जनता बहुत प्रभावित है और वो आम आदमी पार्टी के रूप में मजबूत निकल कर। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं हुए अभी तक, दिल्ली में अभी तक कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं हुए। देखिए दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों पे हमने काम करना, आपके मुख्यमंत्री को वहां पर हरे रंग की जो है मैट बिछा के जाना पड़ता है। देखिए हमने वहां पे काम करना शुरू कर दिया है, रूपरेखा बना बन गई है कैसे कूड़े के पहाड़। तीसरी बार सरकार है अब काम करना शुरू किया है। अरे अभी तो सरकार बनी है, इससे पहले सरकार है तीसरी बार दिल्ली में आया है भैया। देखिए पिछले 15 साल से लगातार एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अच्छा। वो घोटाला कर रही थी, ऐसे काम करने नहीं दे रही थी। शैली ओबराय मेयर बनी एक महीने पहले, फिर से उन्होंने शपथ दी है। अच्छा। अब असली काम जो है नगर निगम में शुरू होगा। अच्छा। आम आदमी पार्टी ने रूपरेखा बना रखी है, कूड़े के पहाड़ को क्या करना है। अच्छा। उस कूड़े को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बदलना है, उसको कैसे रूपरेखा बन रही है। यमुना भी साफ नहीं हुई, पूछ लिया आप, सोच पूछ लो आपसे। देखिए आज यमुना पे काम हो रहा है, प्रदूषण लेवल जो अच्छा। जो दिल्ली प्रदूषण लेवल है पिछले कई सालों में अच्छा। से सबसे कम होता जा रहा है। अच्छा। और कई दिन उत्तर प्रदेश के आसपास भी से प्रदूषण जो आ रहा है उसको भी दिल्ली में हम कंट्रोल करने में सक्षम है। अच्छा। और हमने दिल्ली के लोगों को बेहतर सांस दी है। अच्छा। अगर आप सही से छोड़ दीजिए, वहां पर कितना एक्यूआई होता है मुझे पता, आपको ही पता है कितनी धुंध छाई। आप एपीआई देखिए ना, आप अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखिए 2022 के अंदर वहां जो खराब। बाकी भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, पिछले बार अभी पिछले साल की बात है, दिल्ली में एक ही 600 से ऊपर चला गया था, धुंध के बादल छाए। आप मुझे अच्छी सांस की बात कर रहे हैं, मैं यमुना की बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए, सुना दीजिए। या आपने कह लिया, आप बोलिए बोलिए, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, नाराज हो गए आप तो बता रहे हो, आप बताने भी नहीं दे रहे। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके ऊपर, उन्होंने बताया कि पिछले एक सालों में दिल्ली के अंदर प्रदूषण एक्यूआई जो हाई होता था उसके दिन कितने कम हो गए हैं। रिमार्केबल रूप से सिर्फ 7-8 दिन ही रहे जिसमें एक्यूआई लेवल बहुत हाई था। अच्छा। बाकी सब में मॉडरेट था, लो था, और साफ इन्वायरमेंट के, साफ वातावरण के दिन काफी बढ़ गए। चलिए तो ये हम जो प्लान बना रहे हैं विंटर्स के अंदर और समर्स के अंदर कैसे हम प्रदूषण को वहां प्रदूषण को कम करें, कैसे हम पानी का छिड़काव करें। तकी भाई अच्छा आखिरी सवाल, यमुना कब तक साफ करवा देंगे, पूछ रहा सोचा आपसे। यमुना बहुत जल्द साफ होगी, हमने जिम्मेदारी ली है, हम दिल्ली में पुरानी झीलों को अच्छा व्यवस्थित कर रहे हैं, यमुना को भी साफ करेंगे। और हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, हरियाणा सरकार से, यहाँ दोनों जगह बीजेपी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2025 तक यमुना को साफ करने का संकल्प लिया, ठीक है। तीसरी बार देखते अमर साबरी बड़े पत्रकार, अमर भाई सबकी कहानी आपको पता है, पुराने पत्रकार हैं और शायद आपसे अच्छा विशेषण आज डिबेट का कोई नहीं करेगा, बताइए क्या कहना। बहुत शुक्रिया गौरव जी, जो आपने चर्चा में शामिल किया। पहले तो आज मई दिवस है, तमाम देश के नहीं दुनिया के मजदूरों को बधाई देता हूँ मजदूर दिवस की। जी देखिए जो भी चर्चा हुई अब तक, जी एक बात बहुत स्पष्ट सामने आई है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ बहुत टाइम से बहुत पिक्चर क्लियर होती जा रही है। या गठजोड़ बोल दिया और नूरा कुश्ती एबीटी बोल दिया, एबीटी समाजवादी पार्टी की है, जी, ये जी, बहुत टाइम से हम देख रहे हैं। अब अच्छा, अभी भी देख लीजिए कि एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे थे एक दूसरे में के तर्क अच्छा, वितर्क में सामने दिखा रहे हैं, तीसरा आदमी इससे प्रभावित हो जाए और बिल्कुल अपनी बात कही। अमर भाई आपका कहना अंदर से एक है, बिल्कुल अंदर से एक है। देखिए अभी ये बात चल रही थी मुकदमे को जांच की, योगी जी की 6 साल हुई सरकार बने, सेंटर में 9 साल से सरकार है, अगले साल चुनाव होने। बिल्कुल आप बताइए सपा के कितने बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई, कितनी जांचें हुई,
बिल्कुल सही बात है। जेल गए गौरव जी, मैं आपसे और आपके माध्यम से नेताओं से पूछना चाहता हूँ। देखिए कुल मिलाकर के 2019 की काउंटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के जो पूर्व प्रमुख थे माननीय मुलायम सिंह जी, वो अखिलेश यादव पे आय से अधिक संपत्ति के मामले तक में क्लीन चिट दे दी गई, तमाम मुकदमों में क्लीन चिट मिल गई, साफ है। कुल मिलाकर के जो फिर मैं बात दोहरा दूं कि सपा और भाजपा की जो नूरा कुश्ती है गौरव जी, ये मुसलमानों को गुमराह करते हैं, ये तमाम हिंदुओं को गुमराह करते हैं, पिछले 70 साल से देश में मुसलमान। आपको याद होगा अभी अभी जब से शिवपाल सिंह यादव, एक मिनट मैं आपको बता दूं, शिवपाल सिंह यादव जब तक सपा से अलग रहे हैं, ये आपको भी जानकारी में होगा कि उनको वहां पर आवाज भी आवंटित था, उसके अलावा कोई जांच भी नहीं चल रही थी। जी, और जैसे ही शायद यहाँ जुड़ा हुआ है अपने भतीजे के साथ, शायद सीबीआई की चर्चा चलने शुरू हो गई थी, शायद आपको जानकारी होगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये मैनपुरी सीबीआई निकल के यहाँ चली जाती है, मैनपुरी के चुनाव के, वही तो बात है। बड़ा अफसोस है, देखिए मायावती ने एक ट्वीट करा था जी, मायावती जी ने एक ट्वीट करा अतीक का नाम लेके और शरफ का नाम लेके कि उसको वहां से बुलाया गया, बरेली दर्शक बुलाया गया, उसके बाद उसकी हत्या हुई। मायावती के ट्वीट के बाद फौरन दूसरे दिन अखबारों में खबर बड़ी आ गई, चच्चर कालम तीन तीन कालम की अखबारों में खबर लगी थी कि ताज कॉरिडोर के मामले की सीबीआई प्रोसीडिंग शुरू हो गई। इसका क्या मतलब है गौरव? जिसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी दबा कर रखना चाहती है। समाजवादी पार्टी 2013 से मोदी जी की गोद में खेल रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे बिल्कुल क्लियर सी बात है गौरव जी, पूरा देश जान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप देखिए उसके बाद उनके ऊपर कोई जांच नहीं है। और मायावती जी के एक ट्वीट से अखिलेश ने भी ट्वीट उसी दिन करा है, और अतीक का अशरफ का किसी का नाम नहीं लिया है, खाली अपराधियों को लेकर उड़ा दिया है। गौरव जी मैं पूछना चाहता हूँ कि तमाम अपराधी जवाब दीजिएगा, मैं आपकी भी सुनूंगा। तमाम देखिए अभी उन्होंने कहा कि चिम्मियानंद पे से बलात्कार का रेप केस वापस होगा। आप योगी जी कह रहे हैं कोई माफिया सीना तान कर नहीं चल सकता है, और बगल में राजा भैया बैठे हुए हैं तो सीना तान कर चल नहीं सकता है, लेकिन सीना तान कर बगल में बैठ नहीं सकता है। आप देख ले ब्रजभूषण सिंह पे आज तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आखिर क्यों खाली मुकदमा कायम कर रहे? ब्रजभूषण जी कह रहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। राहुल जी के ऊपर तुरंत इमीडिएटली कार्रवाई कर दी गई और उनकी संसदीय भी चली गई। गौरव जी मतलब क्या देश में बताना चाहते हैं? क्या संविधान और कानून कहां ले जाना चाहते हैं? देश हमारा किधर मुड़ रहा है? अफजल अंसारी की सांसदी रद्द हो गई है गौरव जी की। आप अपडेट कर दो, अफजल अंसारी की भी सांसदी रद्द हो गई है। अफजल अंसारी, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में तमाम अपराधी मलाई चाट रहे हैं। क्या मतलब है? आप क्या देश को मैसेज दे रहे हैं? या देश छोड़ दीजिए, देश तो अपना ही है, चलिए आप हमें मारिए, हम आपको मार रही ही रहेगी, लेकिन इसका विदेशों में क्या मैसेज जा रहा है गौरव जी? ये बहुत शर्मनाक बात है कि तब हमारे हम करें सो पुण, तुम करो सो पाप, सारे अपराधी मेरे। तो ये बताइए आमिर भाई, आप बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इनकी बी टीम हो गई है, तमाम लोग बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी बी टीम हो गई है, तो विपक्ष कौन है फिर? विपक्ष है कौन? आप बताओ लीजिए, विपक्ष कौन है? कांग्रेस के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस ही विपक्ष में है। दरअसल गौरव जी विपक्ष में जाहिर तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, लेकिन गौरव जी 6 साल में पिछले क्या भूमिका समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल सही बात है, मुझसे बेहतर आप जांते हो। सही बात, प्रदेश हमने सब देखा, लखीमपुर कांड भी देखा, सत्याग्रह भी देखा, कहीं अखिलेश जी के मुख से कोई बाणी ऐसी उनके पास शब्द ही नहीं है जो वो सड़क पे आगे विरोध करें या प्रेस का। अभी आज भी प्रेस कांफ्रेंस देख लिए, क्या कहा है उन्होंने बता दिए जरा। कोई आक्रामक उनकी भाषा रही हो, कोई मतलब विपक्ष वाला उन्होंने वो अपनाया हो, किरदार अपनाया, भूमिका अपनाया, क्या मतलब है आप बताइए? आप ट्वीट कर रहे हैं तो शर्म को मारे, अतीक अशरफ का नाम नहीं ले रहे हैं, ये हम अगर मुसलमानों का नाम लेना आपको शर्म आ रही है, और मुसलमानों का सबसे ज्यादा वोट आपको चाहिए, क्या मतलब है? ये दोहरी नीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है कि हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में प्रचंड बहुमत में, और हिंदुओं के लिए भी कुछ 9 साल से मोदी जी नहीं कराए न 6 साल से, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का आलाप कर। मेरा एक सवाल जवाब दे रही है, तो आखिर जनता को पास अपनी बात कहने का अधिकार किससे पास जाएगा, किसके पास जनता जाएगी? विपक्ष आप बता रहे कि उनकी गोद में बैठा हुआ है, आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं उनकी बी टीम है, तो फिर विपक्ष है क्या? आम आदमी पार्टी इसीलिए तो जनता पिस रही है। अरे लोग बोलते हैं भाई जनता पिस क्यों रही है? जनता तो कलेजे पत्थर रख के हिंदू मुस्लिम ही देख रही बेचारी, क्यों वो गुमराह हो रही है? तमाम लोग बोलते हैं, बहुत अफसोस की बात है। अमर भाई थोड़ा आम आदमी पार्टी बोल लीजिए, तकी भाई पूछ रहा जा रहा है आपसे, बी टीम बोला जाता है कई बार, लोग बोलते रहते हैं, क्यों बोलते भाई? अमर भाई जी बोल लीजिए,
हमने बीटीएम की बात कही तो अब इनकी भूमिका हम क्या बताएं, इनकी भूमिका ना तो उत्तर प्रदेश दिल्ली में, अब दिल्ली में तो मैं रह नहीं रहा हूँ जो मैं इनको बताऊं, लेकिन कुल मिलाकर जो दिल्ली का भी एक दंगा हुआ था उस दंगे में भी केजरीवाल जी दिल्ली के दंगे के अंदर इसीलिए लोगों ने लोग आए थे वो इसीलिए तमाम सोशल मीडिया पे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब जगह केजरीवाल आ गया। और ये सही बात यह है जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार थी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को लाया गया था, आम आदमी पार्टी को लाया, इसीलिए सरकार बनना चाहिए थी पंजाब में क्यों नहीं बनी, आपकी कैसे बन गई जबकि आपका कहीं मजबूर नहीं था, आप गुजरात में जाकर लड़ गए, आपका क्या मजबूर था, आप दूसरे लिया है। देखिए तकी जी आप सब स्वीकार करिए, मेरा काम है आईना दिखाना, मैं चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, मेरा काम आईना दिखाना, मैं आईना दिखा रहा हूँ। अब आप स्वीकार करें अथवा ना करें ये जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन जहाँ दंगे होते हैं प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है। अखिलेश सरकार ने तमाम दंगे हुए, लोगों ने अखिलेश को कहा ऐसा नहीं है, ये आप नहीं, ये आप गलत गणना करिए। देखिए जहाँ दंगे होते हैं प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है दंगों को रोकने की, और दंगाइयों पर कार्रवाई करने की, आप नहीं कर पाए ये आपकी गैर जिम्मेदारी करने के लिए। आमिर साहब नहीं कह रहा है कि जहां बीजेपी नहीं जाती वहां पर आपको भेज देती है, पंजाब में आपकी हालत खराब थी वहां सरकार कैसे बना ली, गुजरात आप चले गए, कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी लड़ रही है, लीजिए कर्नाटक में आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वहां तो सभी बना रही है आपका ये, और हिमाचल में आम आदमी पार्टी लड़ी वहां कांग्रेस सरकार बन गई, इससे पहले मध्य प्रदेश में आम आदमी पड़ी रही थी, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पड़ रही थी, कई जगह आम आदमी लड़ी थी वहां तो कांग्रेस गई। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनका कोई तर्क नहीं है, चले ठीक है, व्यवस्थित आम आदमी पार्टी हो गया, ताकि भाई हो गया, बीजेपी हारी हो गया, जवाब दे दिया, ठीक है, प्रदेश में देख लिया, चले ठीक है, झारखंड में देख लिया, अच्छा ठीक है, ठीक है, देख लिया, चले हो गया, हो गया, चले ये प्रवक्ता कांग्रेस से बोल रहे थे, चौबे जी कुछ पूछ रहे थे आपसे, विवेक श्रीवास्तव लेता हूँ, चौबे कुछ पूछ रहे थे आपसे, बोले चौबे जी क्या पूछ रहे थे आप, हिमाचल में गए थे लड़ने, लेकिन तब तक जनता समझ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं, अच्छा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के समय में तो आम आदमी पार्टी के लोग बहुत धरने पे बैठ जाते थे, लेकिन पूरे देश में महिलाओं पे, किसानों पे, नौजवानों पे अत्याचार हुआ, और आम आदमी पार्टी के लोग कहीं भी धरना प्रदर्शन पे नजर, अंदर की बात है, सपा भाजपा साथ है, हुई अरे कांग्रेस बोल रही, सपा नहीं बोली, कांग्रेस बोल रही है, अपनी समस्याएं हुई तो जरूर धरने पे बैठ जाते हैं, अच्छा, लेकिन आज जब महिलाओं, बेटियों के साथ, छात्रों के साथ लड़ते हैं, ये मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष करती है, लगातार धरना करती है, इस बात के लिए मैं इनका कायल हूँ, दिल्ली में काम नहीं कर पाए बेहतर, यमुना साफ नहीं कर पाए कूड़े के पहाड़ है, कहा है साफ कर देंगे, पर आंदोलन करती है, प्रदर्शन करती है, तो प्रेस में लगातार मैं देखता हूं, और कवरेज भी होती है कि ये लगातार संघर्ष करते, मेहनत करते, ठीक है, व्यवस्थित आपको ने सबको सुना, और सबने कहा कि आप पूरी तरह फेल हैं, और केवल झूठे वादे करते हैं, और यहां तक कि वरिष्ठ पत्रकार आमिर साबरी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी आपकी बीटी है, आप लोग कभी कार्रवाई नहीं करेंगे, केवल नाम लेंगे, और जब कोई विरोध होगा केवल सीबीआई की केवल बात आएगी, उसका फिर मामला जस का तस हो जाएगा, जवाब आपको देना है। देखिए गौरव जी, तमाम जांचें हमारी सरकार भी शुरू हुई जी, और सीबीआई को दी गई जी, सीबीआई की जांचें चल रही, अधिकारी जो जो उसमें जैसे जैसे जांच बढ़ रही है गिरफ्तार हो रहे, जेल जा रहे हैं, हम किसी के साथ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करते, अच्छा, एजेंसियां अपना काम करती, हमने एजेंसियों को रिकमेंड कर दिया, जांच चल रही है, अच्छा, ये तय है कि भ्रष्टाचारी बक्से नहीं जाएंगे, जो भी भ्रष्टाचार करेगा जांच उसके दरवाजे तक पहुंचेगी जी, जो भाजपा में मंत्री बनाया जाएगा तो नहीं जाएगा जी, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेगी उनको नहीं, नहीं बख्शा जाएगा, अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे उनको मंत्री बना दिया जाएगा, उनको लोकसभा विधानसभा नए भगोड़ों का उदय हुआ है जी, क्या हुआ है, दो नए भगोड़ों का नाम सामने आया है, देश छोड़ के भाग गए हैं, अच्छा नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, विवेक पांडे नाम बता दे, वो तो विवेक श्रीवास्तव भी बताएं, अच्छा, कितने भगोड़ों को वापस लेके आए पहले वही बता दें, अच्छा अच्छा, अरे वो छोड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहे थे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर महोदय कह रहे थे आंदोलन हरियाणा में तब तक चलेगा जब तक कि कैप्टन अमरिंदर साहब इस्तीफा न दे दे, और भाई उनको कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही मुख्यमंत्री से हटाया
भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना पार्टी में ज्वाइन कराया और तब से फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको सबसे बड़ा देशभक्त बनाने में लग गई। पहले तो भारतीय जनता पार्टी में तो आपके थे, ये कौन सी बात हुई? आपके मुख्यमंत्री थे, उनको संभाल नहीं पाए आप, अंदरूनी कलह में नहीं संभाल पाए। यहाँ पर तो गलती चौबे जी आपकी पार्टी की है ना, आपके बड़े नेता थे, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते थे कि मायावती जी के सरकार में बहुत ज्यादा घपले घोटाले हुए, लेकिन ब्रजेश पाठक जी को तुरंत डिप्टी सीएम बना दिया। अब देशभक्त बताते फिरते और दूसरे दल से आए ऐसे बहुत सारे लोगों को बताते हुए फिरते, अब उनके नाम पे गुमराह कर दिया, ब्राह्मणों का मसीहा बता दिया। एक समस्या लेकर मैं भी गया था, किसी ब्राह्मण का कहीं कोई काम नहीं है, ब्राह्मण को अभी आत्महत्या कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कभी आवाज नहीं उठा रहे मुख्यमंत्री आवास पे, और भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मणों के बनते हैं मसीहा या समाजवादी पार्टी में बनते हैं या बसपा में, अभी विधानसभा चुनाव में सारे लोग ब्राह्मणों के हितैषी हो गए थे, मतलब कोई आवाज ही नहीं उठाया। आत्महत्या कर लिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई पूरे प्रदेश देश में। उठाते रहते साहब, पूरे प्रदेश और देश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण और सरकार में हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है। चलो ठीक है, विवेक से बोले तक देखिए गौरव भाई, सबसे बड़ी बात आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की स्थिति ये है, कार्यकर्ताओं की स्थिति ये है कि कार्यकर्ताओं से टेंट लगवाया जाता है, भीड़ मंगवाई जाती है, कुर्सी हटवाई जाती है। इतने जिम्मेदार नेता देखिए, विवेक श्रीवास्तव भैया जमीनी नेता है, इनको कहां मेयर का चुनाव लड़वाना चाहिए था बताइए, इनको साइडलाइन कर रखा है भारतीय जनता पार्टी। आप टिकट दे रहे थे, क्या दिक्कत थी? अरे आप टिकट दे रहे थे, क्या दिक्कत थी? चले आज आपके पास, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, मुझे तो चुनाव लड़ना ही नहीं है। तो आपकी पार्टी में तो एक वर्ग विशेष की व्यवस्था है, बताइए। नहीं 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 नहीं, हम मैं तो बता रहा हूँ, हम लोग तो कितने ब्राह्मण आपकी पार्टी में, मुझे गिरा दीजिए। हम तो वो पीड़ित लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद करके गलती से समय काटते रहे, समय काट रहे हैं कि कभी अच्छी सरकार आएगी और न्याय मिलेगा। जी, बाबा की दृष्टि जो है ना, बाबा की दृष्टि सजातीय लोगों को छोड़ के किसी पे जाती नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और आत्ममुग्धता से इतना समाजवादी पार्टी के कार्यों पे ही अपना समय काट रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर इनके पास प्रत्याशी होते तो समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के प्रत्याशियों को लेकर के चुनाव क्यों लड़ते? इनके जमीनी कार्यकर्ता संभाल नहीं पा रहे। जनता पार्टी में मंत्री वही बन सकता है, सांसद विधायक जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा हो, मिनिस्टर विधायक रहा हो, उसी को ये योग्य मानते हैं, भले ही उसको यहाँ पर दल बदलने की परंपरा आपकी अभी नकल दुबे आए हुए हैं बसपा से, थोड़ा उसके भी चर्चा कर लीजिए। ब्रजेश पाठक की चर्चा आप कर रहे थे, थोड़ा नकल दुबे चर्चा भी कर लीजिए। चौबे जी, इस हमाम में एक शब्द कहा जाता है ना, तो प्रदेश अध्यक्ष बसपा से गए लीजिए, ये क्या बात करेंगे जी? उनके प्रदेश अध्यक्ष का पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस विरोध का है जी। अब क्या खा करके उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है? जो भी चलना चाहे आप बोले, सबका स्वागत है हमारी पार्टी में, लेकिन हर आतंकवादी और माफिया और बलात्कारी का स्वागत भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? हर घपले घोटालेबाज का स्वागत करती है। सिद्धांत के साथ जो आएगा भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे और रीत नीति सिद्धांत पे चलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको मौका देती। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, सबका साथ सबका। आप परेशान ना हो, आपकी जोर जोर चिल्लाने से कोई गंभीरता से आपको नहीं लेता। आप विधानसभा में विधान परिषद में सुन रहे, विधानसभा में आप दो हैं, हम दो, हमारे दो स्थिति में आप परेशान ना हो। आपके अरे भाई सुन लीजिए, आपके तमाम जिलाध्यक्षों ने पार्टी बदल करके समाजवादी पार्टी, आंध्रा के सीएम ने भी भाजपा ज्वाइन की, पूर्व सीएम ने। आपके चीजें जो आप बार बार उदाहरण दे रहे हैं, आंध्रा के पूर्व सीएम ने आपके भाजपा ज्वाइन की है, एक एंटोनी के लड़के ने ज्वाइन की है, लंबी फहरिस्त है, लोग आएंगे जाएंगे, इसकी जहाँ विचारधारा में वहाँ जाएगा। सुन लीजिए, जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हो कल आप उन्हें ज्वाइन करा लेते हैं, जो काम पहले आपका आरएसएस करता था। अरे चौबे जी सुन लीजिए, चौबे जी आपको समय मिलेगा, चौबे जी आपको समय मिलेगा, चौबे जी आपको समय दूंगा मैं, चलने दे जी। बोलिए तो आखिरी कमेंट, ये लोग जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के डिबेट में बात कर रहे हैं जी,
कांग्रेस को अपनी स्थिति का आकलन होना चाहिए जी। विधान परिषद में आप शून्य है जी, विधानसभा में आप हम दो हमारे दो की स्थिति में है जी, जमीन पे कहीं आपका वजूद नहीं है कभी आप प्रदेश अध्यक्ष थे लेकिन हमने संघर्ष किया जी, हमने संघर्ष किया चुनाव में आपकी आप उधार का आप दशकों से उधार के अध्यक्ष लेके आ रहे हैं जी, दशकों से आप देख लीजिए कोई प्रदेश अध्यक्ष आपका कांग्रेस कैडर का नहीं है। राज बब्बर से नाम गिनाना शुरू करूंगा आप बोल नहीं पाएंगे जी, बहुत से लंबी फहरिस्त है। तो आप तो उधार के दिए से अपने घर उजाला करने की कोशिश कर रहे हैं, उजाला हो नहीं पा रहा है, अंधेरे में खुद बैठे हैं, उजाला देश को प्रदेश की जनता के लिए बात कर रहे हैं, लेके अपने घर उजाला कर रहे हैं, हमारी हैसियत से ले ले रहे हैं, आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, आखिरी डिबेट का आखिरी मिनट बचा है, विवेक पांडे बोलेंगे, विवेक पांडे जल्दी बोलिए जी, बोलिए जल्दी बोलिए, समय होने वाला है, जल्दी बोलिए, आखिरी मिनट है, विवेक पांडे जल्दी बोलिए, पांडे आपको मेरी आवाज आ रही है, शायद नहीं आ रही है, सर मोहम्मद तकी बोलिए, तकी भाई बोलिए जी। ये बात साफ हो जाती है इस डिस्कशन से कि अंदर की बात है, बीजेपी भाजपा और सपा दोनों साथ है। अच्छा। और कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया खुल के वो बीजेपी से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो सपा अगर कोई विकल्प के तौर पर बचा है तो आम आदमी पार्टी है जो पूरी मजबूती से जनता का मुद्दा उठा रही है, बीजेपी से डर नहीं रही है और बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही, जनता के सामने रख रही है। हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह ने जल जीवन घोटाला रखा, राम मंदिर के अंदर जो जमीनों की खरीद फरोख्त में घोटाले के वो रखे गए, पर्दे आते ला रहे हैं, दिल्ली से 1 करोड़ वाले पर्दे लेते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी, अरे वो पर्दे छोड़ दिए, वो पर्दे बहुत बड़े थे। अच्छा। उस पर्दों के पीछे बहुत से लोग छुप गए। अच्छा। उस पर्दों के पीछे बहुत सारे भ्रष्टाचार छुप गए, अदानी अंबानी का भ्रष्टाचार छुप गया, मोदी जी की डिग्री छुप गई, जुड़ने के बहुत धन्यवाद। हो गया, तो यहाँ पर चर्चा थी निकाय चुनाव को लेकर, चर्चा थी यहाँ पर अखिलेश यादव के रिवर फ्रंट पर आकर इस वार्ता को लेकर, यहाँ चर्चा थी कि कल प्रचार बंद हो जाएगा, 4 तारीख को पहला चरण होने वाला है नगर निकाय चुनाव का, यानी 24 के चुनाव के पहले का सेमीफाइनल का उत्तर प्रदेश में। चर्चा महत्वपूर्ण थी और चर्चाओं में यहां पर सामने आया, किसी ने बताया है कि समाजवादी पार्टी और सब और भाजपा एक है, तो कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी भी भाजपा की बी टीम है, सबकी अपनी अपनी राय है और यहां पर दल बदलने की परंपरा पर भी चर्चा हुई। तो यहां पर जिसको जहां लाभ मिलता है वो उस पार्टी में चला जाता है और दल बदलने की परंपरा हमारे देश में आज की नहीं है, ये प्राचीन है। भाई नेता जब दूसरी पार्टी में रहता है तो बुराई करता है और जब वो पार्टी ज्वाइन करता है तो भाई पार्टी उसके लिए देश की सबसे अच्छी पार्टी हो जाती है, ईमानदार और जनता के लिए काम करने वाली। खैर, चर्चाएं चलती रहेंगी, निकाय चुनाव भी चलते रहेंगे और 24 चुनाव भी आने वाला है, सरगर्मी बनाए रखिए और याद रखिए कि यहां पर जो निकाय चुनाव है, इस चुनाव में एक ही बार कहना चाहूंगा, यहां पर पार्टी सिंबल को तब भी सेकंड लाइन पर यानी सेकंडरी रखते हुए सबसे पहले प्रत्याशी को देखिए, जो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए खड़ा हो, जो आपके लिए हमेशा मौजूद हो, साधारण रूप से मुहैया हो, वो आपकी जो जन सुविधाएं उसके लिए काम करता हो, उसी प्रत्याशी को आप वोट दीजिए, तभी एक बेहतर विकास का जो संकल्प सरकार लेती है वो पूरा हो पाएगा। पार्टियां बनती रहेंगी, पार्टियां चलती रहेंगी, दल बदलने की परंपरा भी चलती रहेगी, पर यहाँ चुनाव के माध्यम से जनता जनार्दन को एक बड़ा मौका होता है अपने लिए अपने प्रतिनिधि को चुनना का, तो अच्छा प्रतिनिधि चुनिए और सही व्यवस्था रहिए तो वार्ड भी खुशहाल हो, नगर पंचायत भी खुशहाल हो, नगर निगम भी खुशहाल हो और विकास की बेहतर गंगा बहेगी, तभी विकास का बेहतर आयाम प्रस्तुत होगा और तभी हम विश्वगुरु बनने की जो सपना देखते हैं वो पूरा हो पाएगा। स्मार्ट सिटी की परिकल्पनाएं चर्चाएं चलती रहेंगी, वोट दीजिए, मेहनत करिए और सबसे महत्वपूर्ण बात नोटिस करिए कि आपके लिए जनता के लिए रोड पर उतरता कौन है, संघर्ष कौन करता है, ट्वीट की राजनीति कौन करता है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।